मैं क्या कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में दो चीजें, तो ये है कि इसमें रोज कितने हैं, दूसरे इसमें हर रो में कितने स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5, तो क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ रोज हमें पता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है, तो क्या हमें टोटल स्टूडेंट पता चल गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? हाँ भाई, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 4 × 5, यस और नो? 20। भाई नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं ऐसा करो सर जी कि आप ये करो कि एक एक स्टूडेंट्स को यहाँ से निकालो, एक एक स्टूडेंट को यहाँ से रो में से निकालो। जी सर। ठीक है, और एक एक स्टूडेंट्स को निकालोगे तो हर रो में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, कोई बताएगा? 4। तो ये जो 4 स्टूडेंट आएंगे इनको अलग से रख दो, क्या एक नई रो बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? जी सर। अभी भी तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वो है स्टूडेंट्स हैं पर रो सेम ही है, तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज हो गए 5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 4, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स तो बेटे सेम ही रहेंगे ना, चेंज हो जाएंगे? सेम रहेंगे। तो बस यही क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो, अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहने हैं, तो फिर हमारा क्वेश्चन की इक्वेशन बन जाएगी। हमसे क्या कह रहे हैं, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए। आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो एक्स, नंबर ऑफ रोज वाई, तो टोटल स्टूडेंट्स बताइए, टोटल स्टूडेंट्स यस। अब बेटा देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पहले रफली लिख लेते हैं। हमसे कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, कितने स्टूडेंट एक्स्ट्रा है? 3 स्टूडेंट्स। तो ये पहला हमारा जनरल केस है एक्स वाई। अब हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास रोज में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, तो अब स्टूडेंट्स हो गए एक्स प्लस 3। लेकिन जैसे ही आपने रोज में स्टूडेंट्स बढ़ाए तो रोज कम हो जाएंगे, देयर वुड बी वन रो लेस, तो रोज कम हो गई वाई माइनस वन। स्टूडेंट्स बताओगे अभी भी कितने रहेंगे? एक्स वाई। यस वेरी गुड, शाबाश, एक्स वाई। बट इन तीनों में रिलेशन है, इन तीनों में रिलेशन क्या होगा बेटे? एक्स प्लस 3 × y − 1 = xy। सब बच्चे बताओ समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। यस सर आ गई। बहुत अच्छे, शाबाश। दूसरा केस भी बना लेते हैं फिर इक्वेशन लिखेंगे बेटे। अब आपसे क्या कह रहे हैं दूसरे वाले केस में बेटे, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस, 3 स्टूडेंट्स आर लेस, तो नाउ 3 स्टूडेंट्स हमने कम कर दिए, ठीक है, तो रोज बढ़ जाएंगे बेटे, 2 रोज मोर, तो आपकी रोज हो जाएंगी y प्लस 2। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स कितने रहेंगे बेटे? xy। तो अब क्या हो जाएगा बेटे, अब हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल्स टू xy। दोबारा से देख लीजिए बेटे, जो एग्जांपल हमने लिया था, हमने कहा था अगर हम एक एक स्टूडेंट हटा दें तो हमारे पास बेटे रोज बढ़ गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ से क्या करिए कि हमारे पास 4 रो हो रही, ठीक है, तो अगर हम ये करें 5 स्टूडेंट्स की, आप ये कर दो कि हर रो में 10 कर दो, हर रो में अगर आप 10 स्टूडेंट्स कर देंगे बेटे तो रो कितनी बनेगी? 20 स्टूडेंट्स की 2 बनेगी। तो आप अगर स्टूडेंट्स एक रो में ज्यादा करते हो तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगे, और अगर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करते हो तो नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाएंगे। तो एक चीज को कम करोगे दूसरी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल जो हमारा रहना है वो सेम रहना है। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए केस 1, ऐसे ही लिख लीजिए, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। केस 1 हमारे पास ये है, इसकी इक्वेशन बनाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा बेटे, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई कैंसिल, आपके पास क्या होगा बेटे, आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और केस 2 क्या होगा बेटे, केस 2 हो जाएगा बेटे x माइनस 3 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा बेटे xy प्लस 2x माइनस 3y
माइनस सिक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई कैंसिल, तो आपके पास क्या हो गया बेटे, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये सेकंड इक्वेशन। जरा मुझे बताओ दोनों इक्वेशन में थ्री वाई सेम है ना? यस सर। थ्री वाई करने के लिए हम ऐड कर दें बेटे सीधा सीधा, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है? तो आप क्या कर दीजिए बेटे, वन प्लस टू, तो वन प्लस टू करेंगे तो यहाँ टू एक्स प्लस में है और यहाँ एक्स माइनस में, तो टू एक्स माइनस एक्स एक्स, थ्री वाई कैंसिल, सिक्स थ्री नाइन, तो ये हमारे पास सीधा सीधा आ गया एक्स इज इक्वल टू नाइन, पुट इन वन, वन में रखोगे माइनस नाइन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व, बेटर थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, वाई इज इक्वल टू फोर, ये हमारे पास आ गया। देखो जरा बेटे सब बच्चे ध्यान से, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नाइन है इन वन रो, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज ओरिजिनल की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, वो बेटे फोर है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके पास, 36। अब पहले वाले उसमें क्या कह रहा था बेटे, आपसे पहले उसमें केस ने उसने कहा था कि अगर हम थ्री स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दें, तो हमने यहाँ थ्री इंक्रीज कर दिए, तो नाइन प्लस थ्री कितने हो गए बेटे, आपसे कह रहा था एक रो कम हो जाएगी, तो अगर एक रो कम हो जाएगी तो थ्री रोज रह जाएंगे। अब बताओ स्टूडेंट्स कितने होंगे बेटे, 12 थ्री जा 36। आपसे कह रहा नहीं सर, अगर हम तीन स्टूडेंट कम कर दें तो नाइन माइनस थ्री सिक्स रह जाएगा, तो आपसे उसने कहा था कि हमारे पास टू रोज बढ़ जाएंगे, तो फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स अभी भी कितने रहे बेटे, 36। ये क्वेश्चन था, कुछ समझ में आया थोड़ा को? हाँ भाई कुछ समझ में आया या नहीं आया ये बताइए सर। आवाज दो तीन बच्चों की आ रही है, आज क्या बात है, मैं तो थोड़ा तेज हूँ। यस सर। यस सर, समझ आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बोला करो ना, तो मुझे अच्छा लगे, मैं थोड़ी सी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि समझ में भी आए। गुड,